उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के नियम और कानून को ताक पर रखकर प्रधानाचार्य और स्टाफ देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, जबकि सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा को लेकर कमर कसी हुई है। हाल ही में मथुरा आए डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए शिक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा का स्तर ज्यों का त्यों है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा के गांव झुंडाबाई के प्राथमिक विद्यालय की, जहां ना तो बच्चे ही नजर आए और ना ही स्टाफ नजर आया, जबकि विद्यालय सुचारू रूप से खुला हुआ पाया गया, जिसमें सरोज शर्मा अध्यापिका 5 बच्चों को लेकर बैठी हुई थी, जिसमें 2 बच्चे बाहर के भी बैठे हुए थे, जबकि सभी क्लासों को ताला लगा हुआ पाया गया। जब अध्यापिका सरोज से इस बारे में बात की गई, तो उनका कहना था कि प्रधान अध्यापक साइन करके कहीं चले गए हैं और 2 टीचरों की ड्यूटी ब्लॉक पर लगी हुई है। वहीं 1 टीचर की जब बात की गई, तो उन्होंने फोन पर न आने की जानकारी देने की बात कही, जबकि स्कूल को देखकर लगता है कि किस कदर इस स्कूल के अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो साफ तौर पर देखने को मिला। जबकि क्लास में ताला खुलवाकर देखा गया तो मिड डे मील का खाना भी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। इस बारे में भी मैडम का कहना था कि गाय ने आकर गिरा दिया है, जबकि कमरा पहले से ही बंद था। जब बच्चों से इस बारे में बात की गई, तो दबी जबान में उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की और कहा कि स्कूल की साफ सफाई भी हम लोगों को ही करनी पड़ती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने स्वीपर को ये कह के हटा दिया है कि वो ज्यादा पैसा मांगता है और हमारे पास देने को पैसे नहीं हैं। जब भाजपा सरकार स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, इसके बावजूद बच्चों को साफ सफाई करनी पड़ती है। प्रधानाचार्य महोदय अध्यापिका को फोन पर धमकाते नजर आए। अब देखना यह होगा कि कब तक शिक्षा विभाग आंखें बंद करे बैठा रहेगा या कोई कार्रवाई करेगा। एनीवन न्यूज के लिए मथुरा से खेमचंद की रिपोर्ट।